तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर 2023 आप सब दोस्तों के लिए बहुत ही अच्छा हो, भगवान आपके सारे अरमान पूरे करे। जो थोड़ी बहुत ही कमी 2022 में रह गई थी उसे भी भगवान पूरी करे। तो हैप्पी न्यू ईयर, एंड आज का पहला दिन ऑफिस जाते हुए सबसे पहले जानवी को ड्रॉप करेंगे। अभी सुबह के 8 भी नहीं बजे हैं और बाहर का माहौल अभी आपको दिखाता हूँ। पहले चेंज द पोजीशन। तो दोस्तों ये है अपना जीरकपुर। मैंने सोचा रोज चंडीगढ़ दिखाया जाता है तो नए साल में आपको अपना शहर ही क्यों ना दिखाया जाए। ये है हमारा अपना MS एनक्लेव। MS एनक्लेव से और कोजी होम से गुजरते हुए ये मेरी राइट हैंड साइड पे आएगा अब सैंड सोल्जर स्कूल। भाई साहब आज तो मनाली ही यहीं बना होगा। इसको बोलते हैं ओल्ड अंबाला रोड। तो देखिए सामने के नज़ारे, ब्यूटीफुल रास्ते, धुंध। यहीं पे मनाली और लेह लद्दाख बना हुआ है। अभी मैं अज्जू भाई का वीडियो देख रहा था, उनके पास डिफेंडर है और डिफेंडर को वो शिंकुला पास पर लेकर गए हुए। और कभी ज़माना था कि इस टाइम पे मनाली को क्रॉस करना ही बड़ा डिफ़िकल्ट था। ये इसलिए बता रहा हूँ कि मनाली में इस बार बर्फ़ ही नहीं पड़ रही, नो स्नोफॉल एंड देयर इज़ नो प्रेडिक्शन टू। दोस्तों जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, अगर मुझे यू टर्न ब्रिज के नीचे से लेना है, फ्लाईओवर से अगर मैं सीधा जाऊँगा तो ये जीरकपुर, और उधर से जाऊँगा राइट हैंड दिल्ली चंडीगढ़ और लेफ्ट हैंड दिल्ली। अब मैंने यू टर्न ले लिया और यू टर्न के बाद ये सामने अगर स्ट्रेट, अगर मैं फ्लाईओवर के नीचे रहूँगा तो लेफ्ट हैंड पंचकूला, और अगर फ्लाईओवर ऊपर चढ़ जाऊँगा तो ये हो जाएगा हमारा शिमला कालका हाईवे। भाई साहब से रास्ता मांग रहे हैं, पास मांग रहे हैं, रास्ता दे ही नहीं। थैंक्स ब्रदर। तो दोस्तों दोबारा आपसे रूबरू होता हूँ, थोड़ा प्रोग्राम ना फेस चेंज करके कैमरे का। दोस्तों ये मेरे राइट हैंड साइड पे है शिमला कालका हाईवे,
और लेफ्ट हैंड साइड से मैं मुड़ूंगा, यहाँ पे भी एक बी सेक्टर की एंट्री के लिए फ्लाईओवर बनने जा रहा है एंड आई थिंक वी आर ट्रैप्ड इन दैट और ट्रैफिक होने वाला है। चलो शुक्र है आज ट्रैफिक नहीं है सुबह सुबह। लास्ट फ्राइडे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो आप देख रहे हो एक पिलर बन गया, दूसरा पिलर बनने को तैयार, तीसरा भी बन रहा है। पिछले 10 साल से वादा किया गया था जो कि अब पूरा हो रहा है। तो दोस्तों साल का पहला वर्किंग डे बोलना चाहिए, वैसे टुडे इज 2nd January 2023। तो साल का पहला वर्किंग डे और 2nd January, बाहर काफ़ी धुंध है, तो अगर आप साइड में मेरे देख पा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन बेस्ट विशेज़ फॉर द न्यू ईयर टू ऑल माई फ्रेंड्स, रिलेटिव, टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स। तो 2023 इज गोइंग टू बी वेरी ग्रेट इन टर्म्स ऑफ कार्स, इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी कारें यहाँ पे लॉन्च होंगी, काफ़ी रीलॉन्चिंग होंगी और काफ़ी व्हीकल्स फेसलिफ्ट होंगे। क्रेटा, नेक्सॉन, सफारी, इन सब का फेसलिफ्ट आएगा। जिप्सी जो आई थिंक 2019 में लास्ट डिलीवरी दी गई थी इंडिया में, अब जिमनी के नाम से आएगी। फॉरेन में 3 डोर्स चल रही है, इंडिया में होपफुली इट विल बी लॉन्च्ड इन 5 डोर्स। एंड सेकंड थिंग कंपटीटर होगा थार, थार जो आएगा 4x2 वर्जन में आएगा, सॉरी। तो जिप्सी और थार काफ़ी कम्पिटिटिव प्राइस में भी होने वाली हैं। थार तो 26 जैन को 4x2 की रीलॉन्चिंग होगी, तभी पता चलेगा। और इसके अलावा जो थार है वो भी 5 डोर्स में लॉन्चिंग होगी इन द मिडल ऑफ 2023। भी उसकी टेस्टिंग चल रही है। मैं आपको कहना चाह रहा था कि थार तो फ्रंट से अगर देखें तो वो वैसे ही भी रेंगुलर ही लगती है, रूबीकॉन। तो अगर 5 डोर आ गई तो 100% वो रूबीकॉन की ही, पंजाबी कहते हो, भैन लगेगी। तो आपको थोड़ा सा बाहर का भी नज़ारा दिखा दूं। तो दोस्तों ये है अभी पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया, मेरी लेफ्ट हैंड साइड है और 15 सेक्टर मेरे राइट हैंड साइड है।
है, हमने अपनी गाड़ी में हीटर ऑन किया हुआ है, लेकिन जानवी जी से रिक्वेस्ट है उतरते ही पहले टेक केयर वेदर का। दोस्तों फर्स्ट वर्किंग डे और खूब धुंध, विजिबिलिटी बहुत कम है। सुबह से फ्लाइट्स भी आई थिंक डिलेड और कैंसल्ड ही हुई होंगी। काफ़ी एयर ट्रैवल वालों को प्रॉब्लम हुई है धुंध के कारण। अभी हम मध्य मार्ग पे एंटर कर गए हैं। राइट हैंड साइड मेरे मनी माजरा है और लेफ्ट हैंड साइड है मौली जागरा, यू कैन से रेलवे स्टेशन आल्सो, पंचकुला साइड रेलवे स्टेशन। ओ माय गॉड, देखिए गायें भागी जा रही थी, जस्ट अवर लक कि वो किसी गाड़ी से नहीं टकराई, हमारी गाड़ी से नहीं टकराई, जबकि वो बिना देखे हाईवे पे भागी जा रही है। वेरी सॉरी टू से, चंडीगढ़ में भी सेफ्टी के रूल्स ख़त्म होते जा रहे हैं। दोस्तों ये है रेलवे स्टेशन, मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे लाइट्स और इधर राइट हैंड साइड पे है मनी माजरा, आईटी सिटी, हाई कोर्ट। अभी हम 26 ट्रांसपोर्ट की लाइटों पे पहुंचेंगे, मध्य मार्ग से ही चल रहे हैं। ये मध्य मार्ग हमें अगर रिवर्स साइड से उल्टी साइड से चले तो ये हमें हाउसिंग बोर्ड से होते हुए कालका शिमला हाईवे और शिमला तक लेकर चलेगा। दोस्तों ये है हमारी सेक्टर 26 की लाइट पॉइंट।
चंडीगढ़ की भागती दुनिया या चंडीगढ़ की भागती जनता, सूनर और लेटर दिस सिटी इज ऑल्सो गोइंग टू बी दिल्ली। दोस्तों वैसे आपको दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ नहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों पहुंच गए हम सेक्टर 18 टुडे। जानवी इज ऑन टाइम टुडे, शी इज हैविंग हर फिजिक्स एग्जाम। सो जानवी जी से हेलो टू ऑल। नो हेलो, ओके बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। ऑफिस आएगी? जानवी जी जाते हुए तो दोस्तों अब अपनी बारी, पहुंचते हैं अपने ऑफिस। ये सामने है गुरु का लंगर, फ्री आई सर्जरीज। तो मेरे दोस्तों अगर किसी ने, अगर कोई किसी को जानता हो, किसी गरीब बंदे को, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड आई सर्जरी, यू कैन गेट इट फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छी चीज को हमें खूब पब्लिसाइज करना चाहिए। सो डैट नीडी बंदे का फायदा हो सके। गुरु के लंगर में जो आई सर्जरी 18 में होती हैं, तो जो इसके पीछे है वो 13-13 एक संस्था है जो लोगों का भला करती है और भले के बारे में सोचती है। तो उनके द्वारा फ्री सर्जरी बहुत ही अच्छी बात है। उन डॉक्टर्स को भी सलाम जो इस महंगाई के ज़माने में भी मानवता के बारे में कुछ सोचते हैं। अदरवाइज़ गब्बर इज़ बैक देख लेना, आपको डॉक्टर्स के बारे में पता लग जाएगा। सो नाउ एंटरिंग सेक्टर 17। एनीवेज नो कंट्रोवर्सी, थिंग इज लेट्स थिंक पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव हो रहा है उसे ही डिस्कस किया जाए। तो दोस्तों धुन तो काफी है, आई डोंट नो कैमरा कितनी जस्टिफिकेशन दिखा रहा है अपनी। मैंने सोचा न्यू ईयर में अच्छा सा गाना भी सुनाया जाए।
इससे ज़्यादा नहीं सुना पाऊँगा बिकॉज ऑफ कॉपीराइट क्लेम। दोस्तों जो रेगुलर हैं वो पहचान गए होंगे कि मैं अपनी 30 बेस बिल्डिंग वाली पार्किंग में आ गया हूँ। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग वंस अगेन, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ 2023। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सब्सक्राइबर और सभी भाई लोगों को, सभी सब्सक्राइबर्स को हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबकी मनोकामनाएं भगवान जल्दी से जल्दी इस 2023 में पूरी करें और आप सबसे पहले सेहतमंद रहें। होप आपने मेरे कुछ पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें एक सबसे बड़ा वीडियो था अराउंड 30-32 मिनट्स का, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो वो मेरे कुछ बेसिक टिप्स थे। तो न्यू ईयर है तो न्यू ईयर में रेजोल्यूशंस भी होंगे। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन में सबसे पहले हमें हेल्थ इज़ वेल्थ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने कुछ आपके लिए वीडियो सेलेक्ट किए हैं, उन वीडियोस की कुछ क्लिपिंग्स आपको इसके साथ ऐड करके दिखाऊंगा। तो होपफुली कॉपी क्लेम या कॉपीराइट क्लेम आएगा उसको हम बाद में सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन माय मेन मोटिव इज़, इंटेंशन इज़ टू पॉपुलराइज द क्लिपिंग्स विच इज़ ऑफ कोर्स आई विल रेसिप्रोकेट माय थैंक्स टू द प्राइम टीवी चैनल, दैट इज़ अ कैनेडा बेस्ड चैनल एंड वन डॉक्टर मैं उनका गलत नाम प्रोनाउंस नहीं करना चाहता तो मैं एग्जैक्टली आपको तभी बताऊंगा, लेकिन वो डॉक्टर साहब बहुत ही कमाल के हैं। बहुत सी उन्होंने चीज़ें बताई। अगर आपको उन्हीं के शब्दों में सुनाऊं तो ज़्यादा बेटर लगेगा, वो ज़्यादा बेटर, अच्छी क्लिपिंग्स होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ज़ुबानी ही आपको विद रिगार्ड्स टू वाइट शुगर एंड विद रिगार्ड्स टू रिफाइंड ऑयल एंड अदर थिंग्स आपको बताई जाएं कि डेली रूटीन में आपको जैसे कोला, पेप्सी कोला, वट एवर काइंड ऑफ कोला कैसे बनता है, क्या क्या यूज़ होता है और उसमें शुगर का कंटेंट कितना होता है। सो अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट एट ऑल गिविंग अ बैड नेम टू एनी पर्टिकुलर ब्रांड। सो मैं सिर्फ लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। और हेल्थ के बारे में अगर आपको कोई अच्छी जानकारी शेयर कर सकूं, नथिंग लाइक दैट, स्पेशली इन द न्यू ईयर। बहुत से लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाए होते हैं, दो चार दिन या फर्स्ट वीक में तो मुझे पता है पार्टी का दौर ही चलता रहेगा, हैप्पी न्यू ईयर ही चलता रहेगा। लेकिन जो आप क्लिपिंग्स देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि वी वर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। हमें अपनी हेल्थ इज वेल्थ को कैसे एक ट्रैक पर लेकर आना है, तो क्या क्या हमें कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे और क्या क्या हमें देखना पड़ेगा।
कॉम्प्रोमाइज इसलिए कहा है कि कई लोगों का टेस्ट बड्स होते हैं, उस टेस्ट बड को चेंज करना और उस टेस्ट बड के लिए अपनी रूटीन को चेंज करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, नॉट सो इजी। अब जैसे सर्दियों में हम परांठे खूब खाते हैं, और परांठे भी क्या, गोभी के, मूली के, स्टफ परांठा और वाइट मक्खन। तो इसमें बताया गया है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आप परांठा खाना चाहते हैं तो देसी घी में खाएं, स्टफ परांठा खाएं, बहुत ही अच्छे उसमें प्रोटीन, मिनरल्स एंड ऑल अदर थिंग्स होती हैं, तो आप खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर उसके साथ आप बटर भी लेना चाहें तो ज़रूर लें, वाइट बटर लें, घर का निकाला हुआ, क्योंकि जो बाहर वाला होता है उसमें एक नमक का कंटेंट होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, हमें वो नहीं यूज़ करना। और अगर आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, एनर्जी को गेन कर रहे हैं, तो एनर्जी को यूटिलाइज़ भी कहीं करें, वॉक ज़रूर करें, कम से कम वॉक ज़रूर करें, जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो करें, नहीं तो डेली रूटीन में अपनी वॉक ज़रूर करें। वॉक से हमारी कैलोरीज बर्न होंगी जो हमने अपने टेस्ट बड के लिए खाई हैं, तो अल्टीमेटली इट विल बी हेल्पफुल टू यू। तो दोस्तों, 6 मिनट का वीडियो हो गया है, तो मैं आपको अभी क्लिपिंग्स के साथ मिलता हूँ। थैंक यू।